माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद कर रहे हैं कि यार आप लोग जो है वो बहुत परेशानी से जो चल रहे थे उस पर कुछ जजमेंट जल्दी आए। जी हाँ, चूंकि रीनीट एग्जामिनेशन को लेकर कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है। और आपको बता दूं कि रीनीट को लेकर बहुत सारे टेंशन इस टाइम बहुत बृहत स्केल पे चल रहे हैं। उसके पीछे रीजन साफ साफ है। चेन जो नेटवर्क जो दिख रहा है, जो बिहार पुलिस से शुरू हुई कहानी, सवाई माधोपुर से जो शुरू हुई कहानी, अब वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से होते हुए आसाम तक पहुंच गया इसकी गाड़ी। क्योंकि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ देखोगे, कल का और आज का भी देखोगे, तो जो कवर उसमें छपी है उसमें राजस्थान में भी कुछ बच्चे जो है वो इसमें पकड़े गए हैं। बिहार पुलिस ने क्लियरली ये दावा किया है कि नीट एग्जामिनेशन से बिफोर जो है वो एक वन डे जो है वो एग्जाम के पेपर 20 से 25 बच्चों को मिल चुका है। ये तो एक ऑफिशियली मतलब एक तरह से पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी किया है, लेकिन अगर 20-25 बच्चों को मिला होगा तो निश्चित तौर पे बहुत बृहत स्केल पे और भी ये काम हुआ होगा। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। तो जहां तक हम लोग समझ रहे हैं कि अगर इस तरह की प्रोबेबिलिटी, अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो प्लीज एनटीए को कोई अधिकार नहीं बनता है, जैसा मैं समझता हूँ, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का। इस स्थिति में रीनीट की पॉसिबिलिटी जरूर बनती है और मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जो बच्चा 2 साल मेहनत करके पढ़ रहा है वो डिजर्विंग बच्चा है, बजाय वो बच्चे जो कि भैया फर्जी तरीके से डॉक्टर बन जाते हैं। अगर वो फर्जी तरीके से भी डॉक्टर बनेंगे तो वो एक लेवल ऑफ डॉक्टर तो नहीं बन सकता है, निश्चित तौर पे वो पैसे का बना हुआ डॉक्टर शायद आपके जिंदगी को खराब भी कर सकता है। और इस पे बहुत गहन चिंतन करना चाहिए एनटीए को और पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर इस तरह की समस्या अगर लार्ज स्केल पे हुई है, एकाश सेंटर जैसे सवाई माधोपुर का सेंटर था, वहां पे बोला गया था कि एग्जामिनेशन का पेपर जो लिख के बच्चा निकल गया तो चल जाता है, लेकिन अगर एक दिन पहले पुलिस दावा कर रही है कि 20 दिन पहले 20 बच्चों को मिल चुका है, उसमें बहुत सारे बच्चों को गिरफ्तार भी पुलिस कर चुकी है, पूछताछ कर रही है, तो ऐसे में एनटीए को तुरंत और तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह से ये इंडिया का इतना बड़ा एग्जाम है, अगर इस तरह से होता है तो बच्चों का हौसला टूटेगा। ऑलरेडी इतना हाई कट ऑफ नीट एग्जामिनेशन का जा रहा है, बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और वैसे में इस तरह की स्थिति से बच्चों का हौसला पूरी तरह से टूट जाएगा। शायद आप लोग मेरी बात से सहमत अगर होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या रीनीट का एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक ये पॉसिबिलिटी और भी दिख रही है यहाँ पे कि विजयवाड़ा में भी एक केस इस तरह का आया हुआ है, कल अखबार की सुर्खियों में था थोड़ा सा, कि विजयवाड़ा में भी एक इस तरह का कंडीशन है जहां पे 2-3 बच्चों के साथ शायद लग रहा है कि संभवतः वो भी शक के घेरे में चल रहे हैं। अगर 1-2 लिंक इस तरह का बड़ा निकलता हुआ चला जाएगा तो शायद कनेक्टिविटी बहुत जगह बनेगा। इसके अलावा ये कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में भी जा रहा है, इसके अलावा जो है वो स्कॉलर्स जो है वो अलग से बैठे हैं, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो बच्चा का मेंटली परेशान होना जरूरी है लग रहा है मुझे, और संभवतः इससे जिंदगी जो है बहुत बच्चों का खराब हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जो कोर्ट में मामला गया, मुझे लगता है बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश देना चाहिए, और जो भी पॉजिटिव आदेश हो बच्चों के हित में हो, मैं यही कहूंगा, ताकि बच्चे जो है वो इतना मेंटली प्रेशराइज ना हो और पढ़ने वाला बच्चा एटलीस्ट जो डिजर्विंग बच्चा है वही डॉक्टर बन सके, जो डिजर्विंग बच्चा नहीं है उसको डॉक्टर बनने का कोई राइट नहीं बनता है। और इस तरह का जो भी संगठन, जो भी कोई भी किसी भी तरह का संगठन हो जिन्होंने इस तरह की चीजों में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी है, उसको कोर्ट सख्त से सख्त सजा दे, ताकि कोई अगला सोचने के लिए इस तरह का काम जो है वो सोचने से पहले ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे परेशान नहीं होंगे मेंटली, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर देंगे कि क्या नीट का एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।